चैनल। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? मैं करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। सो आज है वेडनेसडे, आफ्टरनून हो रहा है, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। तो फिर मैंने ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया है। सो वगैरह सब हो चुका है, अभी लंच की तैयारी चल रही है, कुछ देर में हम लोग लंच करेंगे। सो लेकिन उससे पहले लंच करवाना जरूरी है मेरे दो छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फिर चलिए पहले उनको लंच करवाते हैं, बाकी काम सब बाद में करते हैं। सो अभी मैं अपने नन्हे मुन्नों को लंच करवाने जा रही हूँ। तो लंच में है इनका ब्रेड ऑमलेट, तो ब्रेकफास्ट में तो इनकी जो फीड होती है चिकन वगैरह वो सब ये खाते हैं। लंच में तो काम कर रहे हैं, ये छोटा बाउल है, ये छोटे बच्चों के लिए है, सूरी के लिए, और बड़ा वाला बड़े बच्चे के। मैं क्यों आ रहा हूँ तो दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, पीछे ना पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। प्लीज़ आज के लिए एडजस्ट कर लेना। मैंने बहुत कोशिश की है कि वो वॉइस कम हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पे मैं स्कूबी माइकी को ऑमलेट ब्रेड जो है वो मैंने दे दिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट नहीं सॉरी लंच करने के लिए। और यहाँ पर आज मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, देखिए एकदम से सुहावना हो रखा है। तो मैं अभी सारी जो वॉइस है ना वो बैकग्राउंड में ही दूंगी। तो आज ना इस मौसम में मेरा यहाँ पे मैं बता रही थी कि गाने को मन कर रहा है, ये देखिए स्कूबी भी मेरे साथ है, और ऐसे मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है बाहर ऐसे रुकना। तो मेरा मन कर रहा है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो ये वाला सॉन्ग मैं गा रही थी। और ये देखिए स्कूबी वगैरह ना, स्कूबी और स्कूबी की पलटन यहाँ पे सारी है, जो भी उनके फ्रेंड्स हैं सर्कल में है ना स्कूबी के, वो सारे यहाँ पे है। माइकी जो है अभी अंदर ही है, स्कूबी बस स्कूबी को तो ऐसा चाहिए कि हाँ तुरंत बस कोई एक जन गेट खोले तुरंत उसी वक्त बाहर आएगी उनके साथ ही। माइकी ऐसा नहीं लग करता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, लेकिन ये मैडम जो है ना इसको हमारे साथ साथ ही रहना है, जहाँ पे हम जाएंगे वहीं पे पीछे पीछे रहेगी। तो बस ऐसा ही चल रहा है। तो अभी आपको हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह से स्कूबी ने ना फुटबॉल मैच जो है वो खेला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत अच्छा वाला आपको देखने में मिलेगा फुटबॉल मैच स्कूबी का। माइकी ने नहीं वहाँ पे खेलना है, तो ये देखिए यहाँ पे भी फुटबॉल मैच शुरू हो जाएगा। ऐमे करो ना, ऐमे फिर मगर मगर आएगा। हाँ देख सकते हो यहाँ पे स्कूबी फुटबॉल खेल रहा है। स्कूबी फुटबॉल को छोड़ के बच्चों के पीछे भाग गया। हॉली हॉली सट ना खा लो। बस 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 बस, देखा आपने कैसा लगा आपको फुटबॉल मैच? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा गया। आखिरकार एक पेट ने फुटबॉल मैच खेला है, भाई आम इंसान तो खेलते ही हैं, ये जानवर भी खेलते हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इनका जब हम अंदर वापस लेकर आते हैं, इस तरह से मुंह हाथ धो के सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करके फिर इनको अंदर लेकर आते हैं। तो आज मैंने बनाई है कड़ी और साथ में तल लिए हैं कुछ पकौड़े, अच्छे लगते हैं, और साथ में खट्टी लस्सी जो है ना फिर मज़ा आता है इस तरह से फिर वो चावल के साथ खाना। तो यहाँ पे है हमारा जो लंच है वो रेडी हो गया है। कड़ी की मैंने रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा शेयर कर रखी है आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी, इसलिए मैंने सोचा चलो आज सिंपल ऐसे ही दिखा देती हूँ। साथ में है सैलड, चलिए आप लोग भी हमारे साथ आ जाएं, हमें ज्वाइन करें, खा लीजिए। तो अभी सीधा मिलते हैं नहा धो के खाना खाने के बाद शाम को।
अभी मैंने आप सबके लिए एक वीडियो बनाया है जो कि हेयर के ऊपर है। सो बहुत अच्छा वाला, मतलब कुछ रिव्यू दिया है प्रोडक्ट का, तो आप देखना बहुत अच्छा वाला है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप उसको ज़रूर ट्राई करना। सो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं जल्दी से अपनी तैयारी करूँगी। मॉर्निंग मैंने सोचा है कि मूली के पराठे खाए जाए, सो अभी मैं मूली को अभी ही मैश करके रखूँगी। सो चलो फिर काम पे लग जाती हूँ। मैंने मूली ले ली थी, मूली मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो मिल रही थी तो मैंने ले ली। और मूली के पराठे जो हैं हम सुबह बनाएंगे, तो उसकी तैयारी जो है अभी से करने लगी हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग मुझे ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है ऑफिस जाने के लिए, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं एकदम से इतना कुछ बनाऊँ, तो रात को ही सोने से पहले मैं जो है कोशिश कर लेती हूँ कि अपनी तैयारी फुल ऑन करके रखूँ मॉर्निंग की, जो भी ब्रेकफास्ट होगा। तो बस उठ के ये होगा कि सारी चीज़ें तैयार आपको मिलेगी, उठ के फटाफट से बनाना ही है। जो वर्किंग वूमन है वो मोस्टली ऐसा ही करती होंगी आई थिंक, और करना भी चाहिए, और अगर हाउस वाइफ है वो भी ऐसा कर ले तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, अच्छा चलता है वो भी। तो इस तरह से मैं जो है मूली को इस तरह से पील करके फिर उसको कद्दूकस जो है वो कर लूँगी, और उसके बाद इस पानी में जो इसका जो पानी होगा ना, ये पानी बहुत छोड़ती है मूली जो होती है, तो उसका पानी में उसको निचोड़ के उसको मतलब कि नमक लगा के रात को रख दूँगी, जितना और पानी निकलेगा वो सारा जो है वो यूज़ हो जाएगा, और वो जब हम आटा गूंथते हैं ना उस वक्त यूज़ किया जा सकता है, वही पानी के साथ, मूली का वाले पानी के साथ हम आटा गूंथ सकते हैं। पीछे आपको हो सकता है अमरोज़ की आवाज़ आए, तो प्लीज़ डोंट। अगर हमने मूली वाले पराठे बनाने हैं उसको रात को कद्दूकस कर लीजिए आप भी, और उसमें नमक लगा दीजिए। इसमें क्या होता है, ओवरनाइट रख दीजिए, एक तो मूली में नमक का टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा ऑलरेडी होता भी है और टेस्ट भी बन जाता है, और जो ये पानी छोड़ती होती है ना मूली, तो रोटी अच्छे से, पराठा उसका अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ये उसके बाद जो जितना एक्स्ट्रा इसका वाटर होगा वो सारा अलग हो जाएगा, और फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी पराठा बनाने में। तो यहाँ पर मैं सोने से पहले जो है कुछ बादाम जो है भिगो के रख देती हूँ, वो सुबह उठकर जो हम लोगों ने खाने होते हैं। किचन का सारा काम हो गया है, डिनर भी हो गया है, कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो गई है, एंड जो बादाम वगैरह है वो भी भिगो के रख दिए हैं। अभी बस दूध पीना है, और दूध पी के बस हम लोग सो जाएंगे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।